रैली में शामिल उन्हें ऋषि कुल मैदान जाते कार्यकर्ताओं को रुका। आज हरिद्वार के ऋषि कुल मैदान में राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी की बढ़ते बेरोजगार को लेकर एक रैली होनी थी, जिसमें चारों ओर से पार्टी के कार्यकर्ताओं को शामिल होना था। हरिद्वार पहुंच रहे लक्सर के सैकड़ों युवा ट्रैक्टर लेकर इस रैली में शामिल होने के लिए हरिद्वार ऋषि कुल जा रहे थे, जिन्हें पुलिस प्रशासन ने सुल्तानपुर चौकी के सामने रोक लिया। राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी के गुस्साए कार्यकर्ताओं ने लक्सर हरिद्वार मार्ग को जाम कर दिया। कार्यकर्ता सड़क पर धरना देकर बैठ गए। राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी के इन कार्यकर्ताओं ने आवागमन पूरी तरह से बाधित कर दिया। पुलिस प्रशासन इन कार्यकर्ताओं को समझाने की कोशिश कर रहा, लेकिन पार्टी के कार्यकर्ता अपनी मांग पर अड़े रहे। लक्सर विधानसभा सीट के विधायक पद के दावेदार अजय वर्मा का कहना है कि पुलिस प्रशासन उनके साथ जो बर्ताव कर रही है वह सही नहीं है। उनके पास अनुमति होने के बावजूद भी उन्हें पुलिस प्रशासन द्वारा जबरदस्ती रोक दिया गया, जबकि वह शांतिपूर्वक हरिद्वार जाकर जिलाधिकारी महोदय को बढ़ती बेरोजगार को लेकर ज्ञापन देना चाहते थे, लेकिन पुलिस प्रशासन ने उन्हें रोक दिया। पुलिस प्रशासन का रवैया कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सरकार के इशारों पर पुलिस प्रशासन जितना दमन करने की कोशिश करेगा, हमारा आंदोलन उतने ही पुरजोर तरीके से चलेगा। उत्तराखंड की गूंगी और बहरी सरकार को जगाने और अपनी बात सुनाने के लिए इसके अलावा अब कोई रास्ता नहीं बचा। सरकार को उत्तराखंड में लगे सभी औद्योगिक इकाइयों में 70% क्षेत्रीय युवाओं को रोजगार देना होगा। सरकार और प्रशासन जितना दमन करने की कोशिश करेगी, राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी उससे दुगनी तेजी से आंदोलन करेगी। नदीम सलमानी की रिपोर्ट, ब्यूरो चीफ हरिद्वार। सरकार ने गुंडागर्दी के तहत हमारी अनुमति को, जो हमने अनुमति मांगी थी, उसे खारिज कर दिया और अब पुलिस प्रशासन दमनात्मक तरीके से गुंडागर्दी से पूरी हमारे ट्रैक्टर रोके हुए है और हमने पैदल मार्च का आदेश कार्यकर्ताओं को दे दिया। कार्यकर्ता पैदल निकल गए हैं और इस तरह से एक हमारी जीत हासिल हुई है। पुलिस हमें रोक नहीं पाई है और हम आगे निकल गए हैं।